नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में उड़न खटोले पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनका हेलीकॉप्टर है वो करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंच गया, और जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर आने से पहले जो इंडिकेशन है वो चला दिया गया। ये प्रोटोकॉल है हेलीकॉप्टर को बताने का कि जो हेलीपैड है वो बिल्कुल सिक्योर है और जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड किया जा सकता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल की नई अनाज मंडी में, करनाल की नई अनाज मंडी में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उनका जो उड़न खटोला है वो उतरने जा रहा है करनाल की नई अनाज मंडी में। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी कुछ ही सेकंड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो आप देख सकते हैं कि सामने आ चुका है, और ये हेलीकॉप्टर अब यहाँ पर लैंड होने जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर एक सोशल कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पहुँच रहे हैं और उसके बाद यहाँ से फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले के लिए निकलेंगे और कल एक बार फिर से करनाल पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो उतर चुका है करनाल की नई अनाज मंडी में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो उड़न खटोला है, आप देख सकते हैं कि जो उड़न खटोला है वो उतर चुका है पूरी आंधी की तरह, हवा साथ लेकर। हवा में किस तरह से आंधी, धूल, मिट्टी यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी एक मिनट के लिए साइड पर कर दी गई, और जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर उतर गया है। जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पर उतर चुका है, हेलीकॉप्टर उतर चुका है, और अभी कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो यहाँ पर बाहर आएंगे, और उसके बाद अपने काफिले में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करने के लिए। जो विधायक हैं घरौंडा के वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हरविंदर कल्याण, तमाम जो आप देख सकते हैं करनाल के SP गंगाराम पुनिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक किस तरह से जो धूल का गुबार है वो किस तरह से उड़ता हुआ पहुंचता है, और हरियाणा सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वो फिलहाल करनाल की नई अनाज मंडी में, आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है नई अनाज मंडी में उतर चुका है, और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाहर पहुंचेंगे और अपने काफिले के साथ रवाना होंगे कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर। जो हैफर्ड का नया एग्रो मॉल है उसका निरीक्षण करने के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को जो आपको बता दें कि जो आने वाले दिनों में अमित शाह गृह मंत्री हैं वो पहुँचेंगे, अमित शाह, और वो हैफर्ड एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का काफिला है, जो सिक्योरिटी है वो अब आगे बढ़नी शुरू हो गई है, और जो हेलीकॉप्टर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लैंड कर लिया गया है करनाल के नई अनाज मंडी में। आपको मैं बता दूँ कि करनाल की नई अनाज मंडी में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनका जो उड़न खटोला है, जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँचा है। तमाम जो BJP के नेता आप देख सकते हैं कि वो स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री का पहुँच गए हैं, और जो गाड़ी है वो आगे लग गई है, गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे लगा लिया गया है, और ये प्रोटोकॉल होता है जब मुख्यमंत्री किसी जगह पर पहुंचते हैं। हालांकि करनाल में प्रॉपर एक एयरपोर्ट है, वहां पर यानी कि हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता था, लेकिन अनाज मंडी में इसलिए उतारा गया क्योंकि यहां से एग्रो मॉल बिल्कुल नज़दीक है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से तमाम जो BJP के नेता हैं, करनाल के DC हैं, करनाल के SP हैं, IG जो करनाल हैं वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हरियाणा का जो हरियाणा में 5 आपको बता दें कि एग्रो मॉल बनाए गए थे, उसी में से एक एग्रो मॉल करनाल में था। पहले नीलामी करके इसे बेचने की कोशिश भी की गई थी, किसानों ने इसका विरोध किया था, IBN 24 ने भी उस खबर को आपको दिखाया था, जिसके बाद अब जो वहाँ पर फूड कोर्ट बनाने का जो यानी कि ऐलान है वो किया गया, फूड कोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा और नई मर्सिडीज़ गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर के लिए, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ रहे हैं, ये क्या कारण है वो देखना होगा। हेलीकॉप्टर के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गए हैं एक अधिकारी के साथ, वरिष्ठ अधिकारी के साथ क्या कुछ बातचीत हो रही है ये देखने वाली बात होगी। और हेलीकॉप्टर और साथ साथ जो गाड़ियां हैं वो यहां पर लगा ली गई हैं, और दरवाजे को हेलीकॉप्टर के दरवाजे को एक बार बंद कर लिया गया है, और कुछ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग जो इमरजेंसी मीटिंग है एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के अंदर शुरू हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हेलीकॉप्टर के अंदर है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देखिए कि जो गाड़ी है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लगा दी गई है, हालांकि हेलीकॉप्टर से एक बार उतर गए थे, उसके बाद अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के लिए हेलीकॉप्टर के अंदर ही जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो बैठ गए हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सिक्योरिटी के आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर इंतजाम है CIA की जो टीमें हैं उनको लगाया गया है यहाँ पर, ताकि जो सुरक्षा घेरा है वो पूरी तरह से बरकरार रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में CIA की जो तमाम टीमें हैं उनको लगाया गया, महिला जो सुरक्षा पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो हेलीकॉप्टर है वो अब यहाँ पर लैंड होने के बाद मुख्यमंत्री की जो मीटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल की नई अनाज मंडी से आप सभी के साथ लाइव, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी हेलीकॉप्टर के थ्रू करनाल पहुँचे, और इसके बाद वो फरीदाबाद का जो सूरज कुंड है वहाँ पर जाएंगे, और कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल शाम का एक कार्यक्रम है उसको अटेंड करने के लिए करनाल आएंगे, और उसके बाद चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे बाय रोड। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।